पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। Vivek, I hope we fueled the fire well. Yes, sir, we have. जैसा आपने बोला था मैंने बिल्कुल वैसे ही भड़काया है. Good. आइए. मामा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सब वेट ही कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता दी चेयरपर्सन की पोस्ट को एक्सेप्ट भी करेंगी. क्यों? मुझे तो लगता है दी पक्का एक्सेप्ट करेंगी. उनको करना ही चाहिए. बड़ा फैसला है ये, बहुत ऐतिहासिक पल है ये महाजन ग्रुप के इतिहास में. और ये काफी दिलचस्प बात है कि महाजन बोर्ड ने एक इमेच्योर अनएक्सपीरियंस लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का ऑफर दिया है. मिस युविका महाजन पहले भी सुर्खियों में रही हैं, लेकिन बिजनेस के संदर्भ में बात की जाए तो आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो उन्हें महाजन ग्रुप के चेयरमैनशिप के लिए काबिल बनाता है. तुम जो भी फैसला लो युविका, मैं तुम्हारे साथ हूँ. बेस्ट ऑफ लक. सॉरी, मैं कुर्सी लगाना भूल गया, अभी लगाता हूँ. नहीं, इट्स ओके. दादा बाबू, मेरी जगह यही है आपके पास. मिस्टर श्रॉफ यहाँ पर आ नहीं पाए, सो आई एम हियर टू रिप्रेजेंट हिम. ये बोर्ड मेंबर्स की कंसेंट लेटर है, बस आप इसे साइन कर दीजिए. किसी को भी यहाँ पर आपके चेयरपर्सन बनने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम इस तरफ कहां जा रहे हो? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो सिर्फ बोर्ड मेंबर्स की मौजूदगी में होगा. दादा बाबू, सिर्फ आपका साइन नहीं हुआ है इस लेटर में. हाँ, मेरा साइन इसलिए नहीं है क्योंकि तुम सब लोगों की तरह इस बच्ची के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में मैं शामिल नहीं हूं. जब कंपनी डूब रही है तो तुम सब लोग अपनी हार का सहरा इस बच्ची के सर पर बांधना चाहते हो. शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को. माफ कीजिएगा दादा बाबू, युविका भी महाजन है, आधी मालकिन है.
हाँ, पास्ट में हमसे इसकी काबिलियत नजरअंदाज हो गई थी, लेकिन आपने हमारी आंखें खोल दी। इसलिए चेयरमैन की कुर्सी में अपने बेटे को ना देकर युविका को दे रहा हूं, ताकि कल को आप या कोई भी ये ना कह सके कि धनराज महाजन को इंसाफ करना नहीं आता। तुम मुझे बरगलाओ मत धनराज, मैं तुम्हारे मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम युविका पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो और ना ही तुम इसके साथ कोई इंसाफ कर रहे हो। तुम्हारी कुर्सी इस वक्त कुआं है कुआं, और जो भी इस पर बैठेगा वो जरूर गिरेगा। सॉरी दादा बाबू, महाजन ग्रुप का चेयरपर्सन बनना बहुत बड़ी बात है, और हम सब यहां डैड के इस ग्रैंड जेस्टर को, इनके डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। आपने कहा था ना, मेजॉरिटी डिसीजन लेती है। मेजॉरिटी ने डिसीजन ले लिया, युविका शुड बी द चेयरपर्सन। काश तुमने मेरी किसी भी बात को पूरी तरह सुना होता और उसे याद रखा होता। यस, मैंने जरूर कहा है कि मेजॉरिटी डिसीजन लेती है, लेकिन अगर मेजॉरिटी गलत हो तो उसका विरोध करना भी जरूरी होता है। ऐसे आप तो हमेशा कहते हैं युविका बहुत काबिल है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसको। जब आज काबिलियत दिखाने का मौका आया है तो युविका अपनी काबिलियत दिखाना नहीं चाहती। पूरे महाजन ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स बहुत हम्बली अपना वोट करके चेयरपर्सन की कुर्सी उसको ऑफर कर रहे हैं, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना, डर लग रहा है। जिम्मेदारी संभाली नहीं जाएगी, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसकी बातों में बिल्कुल मत आना युवी, ये तुम्हें पुश कर रहा है, तुम पर कोई दबाव नहीं है बेटा। एक्सक्यूज मी दादा बाबू, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं युविका को, उसके डिसीजन को। युविका तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है, हम वो सुनना चाहते हैं। इंतजार में है कि कौन बनने वाला है इस ग्रुप का अगला चेयरपर्सन। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही है और किसी भी क्षण हमें खबर मिलने ही वाली है। द क्लॉक इज टिकिंग और देश इंतजार में है कि मिस युविका प्रेमराज महाजन आगे क्या फैसला करेंगी। युवी बेटा, मना कर दे, कह दे सबसे कि नहीं बनना तुझे चेयरमैन। बरसों से यही बसेरा रहा है हमारा, कल ये जगह उजड़ जाएगी। नोटिस आई हुई है पूरी कॉलोनी खाली करने के लिए। इन परों की लड़ाई में ना छोटे लोगों की जान जा रही है। अरे इनके माजरों का कभी भला नहीं होगा, इनका सच्चा नाश होगा। आप महाजन को जानती हैं क्या, कितने मक्कार हैं वो। दादा बाबू तो अब बूढ़े हो गए, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं, और ये प्रेम जी को तो इन लोगों ने मारा, तो ये लोग हमारी क्या परवाह करेंगे। बहुत मक्कार है महाजन, वो बर्बाद हो जाएगा, कभी उसका धन्यवाद नहीं होगा।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।